प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पिट्ठू बैग से लेडीज पर्स बनाना और किस एक बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसको आप समझ सकते हैं। ये मैंने पिट्ठू बैग में से आधा हिस्सा काट लिया है, ऊपर वाले पर्स जो हिस्सा था जो बीच में से ख़राब हो गया था ये पर्स, तो इस पर्स में से मैंने दूसरा जेंट्स हैंगिंग पर्स बनाया था। अब ये मैं लेडीज हैंगिंग पर्स बना रहा हूँ, तो इसको आप देखें, ये मैंने बीच में से काट लिया दोस्तों। और अब इसके जो ये पार्ट जो सिलाई के जो हैं जुड़े हुए हिस्से हैं, इनको अपन थोड़ा थोड़ा सा खोल लेंगे, जिससे कि चैन वगैरह लगाने के लिए सुविधा रहे ये चीज़। और इसके लिए अपन को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, 1.25 मीटर जितनी भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से बेल्ट काट लें। एक डी ले लें, इसको हटाता हूँ। अब ये तीन टुकड़े मैंने बराबर के से काटे, ये तीन टुकड़े बेल्ट जोड़ने के लिए काम आएंगे। और इनको मैंने आगे से जला लिया है, जिससे कि आगे उधड़े नहीं या खिस। इनको भी साइड में रखता हूँ दोस्तों। चैन ले ली, ये वाली दोनों दोनों चैनें ले ली, एक 16 इंची है एक 13 इंची है। और ये आवश्यकता के अनुसार अगर बड़ी छोट बड़ी होगी तो इसको काट देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अपन को दो आवश्यकता पड़ेगी, दो डी की। एक मार्केट से लॉक लिया है ऊपर से लगाने के लिए, इकट्ठा कर लिए। और इनको मैं आप किस तरह सिलना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये उधेड़ लिया, अभी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों की सीधी सीधी सिलाई कर लेते हैं, जिससे कि इसको चैन लगाने में अपन को सुविधा होगी। दोस्तों ये सिलाई लगा ली इन सभी पर, क्योंकि इससे अपन अगर चेन लगाएंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये स्टेप और ये डी, इसको इस तरह से लगा के जहाँ तक अपन को चेन का वो रखना है, उसके अलावा 1 इंच नीचे, ये जहाँ तक चेन आएगी इसके यहाँ से 1 इंच नीचे, और इस वाली स्टेप को इस तरह से यहाँ पे सिलने लें। और लास्ट तक नीचे जाके जो एक्स्ट्रा भाग हो उसको ऐसे मोड़ देंगे। ये वाला एक हिस्सा हुआ, इसी के साथ ये दूसरा डी भी ले लिया मैंने। और इस ये दूसरा डी, और इसको भी इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप ये वाली भी काटी है, इस वाली स्टेप को अपन यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे, जो कि अपन को लॉक के काम आएगी। ये तीनों चीज़ मैं सिल लेता हूँ दोस्तों। ये स्टेप जोड़ ली दोनों, ये लॉक के लिए स्टेप जोड़ ली। इसके बाद अपन को करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इस पे अपन ने जो 13 इंची चैन ली है, उस चैन को इस तरह से उल्टा रखें, इसका ये वाला फेस ये चैन का फेस दोनों मिला के इस तरह से रखें और इसकी सिलाई लगा लें। मैं सिलाई लगा रहा हूँ दोस्तों, ये सिलाई लगा ली दोस्तों। अब इसमें मैं टॉप सिलाई लगा लेता हूँ इस तरह से। टॉप सिलाई लग गई दोस्तों, अब इस ऐसे ही दूसरी तरफ लगा लेते हैं दोस्तों। अब ये दोनों हिस्सों पे मैंने टॉप सिलाई लगा के और इसको चैन को लगा लिया। मेन पॉकेट के बाद ये अंदर वाली जो चैन है इसमें भी अपन दोनों पार्टों में चैन लगा लेते हैं दोस्तों। ये चैन लगा ली, ऊपर वाले हिस्से में भी लगा दिए और इस वाले हिस्से में भी लगा दिए। अब इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। दोस्तों ये उल्टा कर लिया, उल्टा करने के बाद अपन को क्या करना है, ये वाले जो हिस्से थे इन हिस्सों को सभी को इससे आपस में एक दूसरे से टच कर देना। और जैसे कि अब ये मैं आपको एक हिस्सा बता देता हूँ, इस हिस्से को यहाँ तक लिया, एक्स्ट्रा भाग अपन काट देंगे। और ये तीन पार्ट तीनों हिस्से हैं, तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़ के और इस पर सिलाई लगा देनी। ऐसे ही सभी हिस्सों को इसी तरह जोड़ते हुए अपन को सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगा लेता हूँ दोस्तों। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया,
अब सीधा करने के बाद रनर जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा आपको, रनर डाल लेते हैं। रनर डालने के बाद अब इसमें करना क्या है, बाकी अपना तैयार हो गया। ये वाले हिस्से इस तरह से निकले होंगे, इन हिस्सों को अपन इस तरह से बराबर में इक्वल लेके और इस तरह से यहाँ पर गुजर बनानी है इस तरह से, और ये बन गई और ये हिस्सा अंदर आ गया। इस हिस्से पर अपन सुई धागे से या मशीन से, मशीन नहीं चल पाती तो सुई धागे से यहाँ पर अपन सिलाई कर देते हैं। दोस्तों सुई धागे से ये सिलाई लग गई, इसी तरह मैं दूसरी तरफ लगा ली। अब इसको सीधा करने के बाद इसकी ये स्थिति होती है, आप देखें। इस वाले हिस्से में आप वेलक्रो भी लगा सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं जो इसको इस तरह से ब्लॉक करेगा। इसके लिए मैं मैग्नेट लगा रहा हूं, तो मैग्नेट को अपन इस तरह से लगाएंगे जिससे कि इस वाले हिस्से में यहां पर लगानी है। ये आप किसी भी ओल्ड पर्स में से निकाल लें या मार्केट से ले लें, तो ये मैग्नेट लग गई। अब इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे अपन सिलाई लगा देते हैं चारों तरफ। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ इस तरह से और मैं सिलाई लगा लेता हूँ। इसको फोल्ड करके मैंने ये सिलाई लगा ली, ये इसके इस काम आए, यहाँ पे इसको ब्लॉक करने के लिए काम आएगा। अब रह जाता है अपना लास्ट ये वाला भाग, इस वाले भाग में अपन को बेल्ट लगानी है। ये मैंने डी लगा लिए, अब डी को किस तरह से लगाना है इसको अपन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इससे इस वाले हिस्से में एक हिस्से में इसको डाला और डालकर दोस्तों ये वाले इस वाले हिस्से में डाला। ये थोड़ा इधर करे ना, ये मैं कैमरा ये वहीं जितना भी बड़ा छोटा रुक जा, फिर वहीं देखेगा दोबारा बना ले या शुरू से ही बना। दोस्तों मैग्नेट लगाने के बाद ये बेल्ट नहीं है 1.25 मीटर, इसको इस तरह से इसमें डाल के और ये अपन ने इसमें डी लगाई है छोटा बड़ा करने के लिए। इस वाले को अपन को ये हिस्सा ध्यान रखना है, ये हिस्सा अंदर रहे, इसके लिए अपन मैं दोबारा ये गलती हो गई, इसको मैं फोल्ड कर लिया और इस तरह से इस डी में बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह इसको डाल लिया। दोस्तों अब ये ध्यान रखना है अपन को इसको सीधा रखना है, इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से, और ये वाला पार्ट इस वाले हिस्से में अपन सिलाई कर देते हैं इस तरह से। ये जितना छोटा बड़ा करना चाहे अपन कर सकते हैं, मैं सिलाई कर लेता हूँ। ये सिलाई लगा ली दोस्तों, ये अपना लेडीज हैंगिंग पर्स तैयार। इसमें आप देख सकते हैं एक पॉकेट ये वाला हो गया, एक पॉकेट अब आपको दिखा रहा हूँ, एक पॉकेट ये वाला हो गया, ये बीच की चैन वाला हो गया, दूसरा यहाँ पर और ये तीसरा यहाँ पर, एक दो तीन चार और ये पांच पॉकेट वाला अपन ने पर्स बनाया। मजबूत होने के साथ साथ इस तरह से रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ऐसे आप अपने घर में बैठे ही बहुत ही सुंदर और स्मार्ट बैग बना सकते हो अपने पिट्ठू बैग को फेंकने की जगह, और यूज ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर लाइक पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद दोस्तों।